आज की वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमने बात की थी व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, व्हाट आर द यूनिट्स, और हमने बात की थी सिस्टम्स ऑफ यूनिट की। तो उसमें हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात की थी, जैसे CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS सिस्टम फुट पाउंड सेकंड, एंड MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड। इनसे अलग हमने SI सिस्टम की बात की थी, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है। इसमें हमने कुछ बेस क्वांटिटीज ली कि SI यूनिट में 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, इनसे अलग 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ली थी हमने। तो इस तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स आ गई और 2 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ गई। इनको इंक्लूड करके बनता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ही बाकी सभी यूनिट डराइव कर ली जाती हैं और इनको बोलते हैं डराइव्ड यूनिट। जैसे हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स में है मीटर, तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो गई डराइव्ड यूनिट और मीटर जो है वो फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल की हेल्प से डराइव्ड यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिटेल में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। हम मेजरमेंट क्या होता है ये तो हमने पढ़ लिया था, अब इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो बच्चों, लेंथ को मेजर करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड है कि आप स्केल से सीधे कोई लेंथ मेजर कर ले रहे हैं, या बच्चों ऐसा है कि बहुत छोटी डिस्टेंस है और उसको हम स्केल से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्क्रू गेज होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, या स्फेरोमीटर होता है। तो उनकी हेल्प से हम बहुत छोटी सी डिस्टेंस को, जिसको स्केल से एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता, उन्हें मेज़र कर लेते हैं। वो आप जब प्रैक्टिकल्स करेंगे लैब में तो आप देख लेंगे कि स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स ये क्या होते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर उनके पिक्चर्स दिखा दूँगी। तो बच्चों, अब ये जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, स्केल यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इनको यूज़ किया जाता है। अब इनडायरेक्ट मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर काफ़ी दूर की चीज़ों को मेज़र करना हो, जैसे अब यहाँ से मून तक के डिस्टेंस को मेज़र करना हो, तो हम क्या स्केल लेके नाप सकते हैं? क्या हम इंच टेप लेके नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते ना। तो जब हम स्केल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस मेज़र करना है, तो ऐसे में जो मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो आपने ये ट्रायंगुलेशन मेथड पढ़ा होगा, जैसे किसी टावर की हाइट फाइंड करनी है या किसी ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन लेकर 10 थीटा से मेज़र कर लेते थे, आपको शायद कुछ याद आया होगा। हमारे पास एक और इनडायरेक्ट मेथड है, पैरेलेक्स मेथड। पैरेलेक्स मेथड ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में। तो बच्चों, आइए देखते हैं पैरेलेक्स मेथड कि किस तरह से इस मेथड को यूज़ करके बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस को पता किया जाता है या उनके डायमीटर को पता किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पैरेलेक्स। तो पैरेलेक्स को समझने के लिए बच्चों, आप ऐसा कीजिए, एक पेन लेकर अपने फेस के सामने बिल्कुल अपने नाक की सीध में 6 to 8 inches की डिस्टेंस पर उस पेन को होल्ड करें, एक इस तरह से, और फिर एक बार लेफ्ट आई से देखें उसको और एक बार राइट आई से देखें, दूसरी आई जो है वो क्लोज कर लें। तो आप ये देखेंगे कि दोनों बार आपको पेन की पोजिशन जो है वो चेंज होती हुई लगेगी इस तरह से। एक्चुअल में तो पेन तो अपनी पोजीशन पर ही है, पर जहाँ से देख रहे हैं वो पॉइंट चेंज हो गया है,
तो उसके चेंज होने की वजह से जो पेन है उसकी पोजीशन में हमें एक चेंज फील होता है, ये अपेरेंट शिफ्ट है, एक्चुअल में नहीं है ना, अपेरेंट है, तो इसी को बोला जाता है पैरेलेक्स। तो क्या होता है बच्चों पैरेलेक्स? पैरेलेक्स इज द अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइड वाइज। तो हम अगर देखने की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो हमें शिफ्ट होती हुई लगती है, इसी को बोलते हैं पैरेलेक्स। अब देखिए इस पैरेलेक्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो पहले तो हम इस पैरेलेक्स मेथड से लॉन्ग डिस्टेंस जो है उसको मेज़र करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो अर्थ से हमें पता करना है कि उसके डिस्टेंस क्या है। इसके लिए बच्चों हमने सपोज कर लिया कि कोई एक प्लैनेट है एस जो अर्थ से डिस्टेंस डी पर है, और अर्थ की सरफेस पर हमने दो पोजीशन ले ली हैं अलग अलग ए और बी, इस तरीके से कि ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक, अब मैं आपको इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों मान लेते हैं कि ये अर्थ है, फिजिक्स में हम मानते बहुत है ना, फिजिक्स में और मैथ्स में, तो फिर से मान लेते हैं कि सपोज ये अर्थ है। अब अर्थ से किसी एक प्लैनेट को, सपोज ये एक प्लैनेट है, इसको देखा जा रहा है डिफरेंट पॉइंट से। अब ये प्लैनेट काफ़ी दूर है तो हमें काफ़ी छोटे साइज का दिखाई देगा, ठीक है, जितना दूर होगा उतना ही ये हमें स्मॉल साइज का दिखाई देगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें ये पॉइंट साइज का दिख रहा है इस तरह से। तो अब हमें इस प्लैनेट को डिफरेंट पॉइंट से देखना है कि एक पॉइंट यहाँ पर है अर्थ की सरफेस पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये हमने दो लोकेशंस ले ली हैं। तो इसी में हमने मान लिया है कि एक ये ए है, दूसरा बी है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में उसको ही बी बोला गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है प्लैनेट जो हमें पॉइंट की तरह से दिख रहा है, उसकी डिस्टेंस एक बार तो बी पॉइंट से देख रहे हैं हम, एक बार ए पॉइंट से देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा ना, इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे तो आपको एक एंगल इस पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पर प्लैनेट है वहाँ के लिए, वो होता है बच्चों पैरेलेक्स एंगल। ठीक है, उसको पैरेलेक्स एंगल बोलते हैं। अब हम यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है उससे देख लेते हैं। अर्थ से किसी हाइट पर कोई प्लैनेट है एस, और उसको ये दो डिफरेंट पॉइंट से देखा ए और बी से, अर्थ की सरफेस से, और जो ये एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा। तो बच्चों अब ये एस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसको हम ये मान ले रहे हैं कि ये डी डिस्टेंस पर है बच्चों, ये डी डिस्टेंस है, ठीक, ए से बी तक के बीच के डिस्टेंस है बी। बी अपॉन डी इज वेरी लेस देन वन बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। ओके, तो बी अपॉन डी बहुत छोटी वैल्यू है वन से, इसलिए ये थीटा भी बहुत छोटा होगा। सीधी सी बात है कि हम जितना दूर ले जाएंगे पॉइंट को उतना ही एंगल ये स्मॉल होता चला जाएगा, तो जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है। बच्चों अब हम उस डायग्राम के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल थीटा है, आर्क जो ए बी है, डी जो डिस्टेंस है, हम इस तरह से मान लेते हैं कि ये ऐसे बहुत पास पास हैं डिस्टेंस के कंपैरिजन में ए और बी, तो हम उसको आर्क मान ले रहे हैं, और ए और बी से जो डिस्टेंस है प्लैनेट की उसको रेडियस मान ले रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू बी बाय डी, आर्क अपॉन रेडियस, इससे हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, तो बी अपॉन थीटा, अगर हमें एंगल पता है तो बी तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें पता होगा ही, तो हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। अब बेटा इसकी दूसरी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि कैसे मेजर करते हैं, टू मेजर द साइज और डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। अब प्लैनेट अगर पास में है, तो प्लैनेट पास में है तो उसकी डायमीटर या उसका साइज ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अब पैरेलेक्स इसके थ्रू होगा कि इसके एक
इस पॉइंट से देखेंगे और इधर के पॉइंट के लिए एंगल, मतलब अर्थ की सरफेस पर अब एक ही पॉइंट से देखा जाएगा। और एक पॉइंट से, जैसे हम मून की बात कर रहे हैं अगर, तो हम एक पॉइंट से मून की एक साइड और फिर उसी पॉइंट से मून की दूसरी साइड ये देखते हैं, तो क्या एंगल बनता है वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि ये जैसे हमने कोई प्लैनेट या फिर हमने कोई सैटेलाइट लिया है और अर्थ की सरफेस के एक पॉइंट से उसका एक साइड देख रहे हैं और उसी पॉइंट से फिर दूसरा साइड देख रहे हैं और फिर देखते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। डिस्टेंस ये हमने डी ही मानी है, कैपिटल डी, और डायमीटर सपोज स्मॉल डी है। तो फिर से हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यूज़ कर लेंगे बच्चों। और एंगल क्या लिया है हमने, अल्फा। आर्क क्या है, ये वाली डिस्टेंस ये जो है, और रेडियस ये हमने रेडियस ली है डी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी, इससे हम डी फाइंड कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा इंटू डी। ओके, तो ये क्लियर है आपको कि पैरेलेक्स मेथड से किस तरह से जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी डिस्टेंस या फिर उनकी डायमीटर ये वो फाइंड की जा सकती है। तो बच्चों ये तो बात थी लॉन्ग डिस्टेंस के मेजरमेंट की। अब जो लॉन्ग डिस्टेंसेज होती हैं उनको हम सीधे सीधे मीटर में नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सिटी से दूसरे सिटी तक की डिस्टेंस की बात करनी है तो आप किलोमीटर्स में बताते हैं ना, मीटर में नहीं बताते हैं, लार्ज यूनिट यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ से मून की बात होगी, यहाँ से सन की बात होगी, यहाँ से कोई दूसरे और प्लैनेट्स की बात होगी, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ली जाती हैं लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। आज अब हम उन्हीं प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट है इसमें बच्चों लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम से आपको ऐसे लग रहा होगा कि ईयर बोला जा रहा है तो हो सकता है ये टाइम की यूनिट हो, बट नो, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ये यूनिट है डिस्टेंस की, याद रखेंगे आप, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो लाइट वन ईयर में ट्रेवल करती है इन वैक्यूम। स्पेस में तो वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में लाइट वन ईयर में जितने डिस्टेंस कवर करेगी उसको लाइट ईयर बोला जाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि लाइट की तो स्पीड ही इतनी ज़्यादा है। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू होती है इसकी। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10^15 मीटर्स। आप किलोमीटर्स में फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें से 3 आप कम कर दीजिए पावर में से, तो 9.46 इंटू 10^12 किलोमीटर्स। इतनी डिस्टेंस लाइट वन ईयर में कवर कर लेती है। अब सेकेंड देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो मीन डिस्टेंस होती है अर्थ की सन से। मीन डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो सन है, सन बिल्कुल ऐसे सेंटर में नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि सन की डिस्टेंस प्लैनेट से चेंज होती रहती है फॉर वन रिवॉल्यूशन। तो ऐसे में एक मीन डिस्टेंस ले ली है, तो वो जो मीन डिस्टेंस है अर्थ की सन से वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10^11 मीटर। ओके, याद रखेंगे आप, इनको लर्न कर लेंगे अच्छे से। तो थर्ड यूनिट है बच्चों पार्सेक, पैरालेक्टिक सेकेंड। इसको आपको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंडेड ऑन एंगल 1 सेकेंड। अब एंगल यहाँ सेकेंड में बोला जा रहा है बच्चों, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एंगल को सेकेंड में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमने तो अभी तक एंगल जो है उसकी यूनिट या तो डिग्री पढ़ी है या फिर रेडियन पढ़ी है, तो बच्चों मिनट और सेकेंड भी एंगल की यूनिट्स हैं। अब ये कितनी यूनिट होती हैं उसको देख लेते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों। एक ये जो वन सर्कल है, तो इसके लिए हम वैल्यू लेते हैं एंगल की, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है वो कितनी ली जाती है कि कोई इस तरह से मूव करना शुरू कर रहा है, तो ये वैल्यू है 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री है। तो अब
इस सर्कल को इक्वली 360 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। अगर इस सर्कल को ऐसे 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो जो एक पार्ट बनेगा वो होगा 1 डिग्री का। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा ना आपको कि हमने सर्कल को हम मानते हैं कि उसमें 360 डिग्रीज होते हैं और हमने 360 पार्ट्स कर लिए, तो जो वन पार्ट है वो 1 डिग्री का हो गया। अब बच्चों ये जो वन पार्ट आया 1 डिग्री, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर लेते हैं, इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फिर से। तो अब जो 1/60 पार्ट होगा इसका, इसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, बहुत छोटी वैल्यू आई कि आपको पता चल ही रहा होगा, तो इसको 160 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये जो 160 पार्ट है 1 डिग्री का, तो ये 160 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ये होता है बच्चों 1 मिनट, इसको बोलते हैं 1 मिनट। और अगर इस 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, तो 1 मिनट जो है फिर ये 1 सेकेंड हो जाता है। और इनको लिखते कैसे हैं कि 1 मिनट है तो इसको 1 मिनट इस तरह से लिखा जाता है, 1 सेकेंड है तो इसको 1 सेकेंड ऐसे लिखा जाता है, ये डबल लगाकर। आप ये इंच से कंफ्यूज मत होना कि ये इंचेस लिखे हुए हैं, क्योंकि इंचेस भी इसी तरह से लिखे जाते हैं ना, यहाँ पर मीनिंग है ये 1 सेकेंड का। अगर कोई एंगल ऐसा है कि एग्जैक्ट डिग्री में नहीं आ रहा है, कुछ और वैल्यू भी है उसकी, तो हम उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मिनट और सेकेंड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब किसी एंगल की वैल्यू इस तरह से हो सकती है 40 डिग्री, 20 मिनट्स और 35 सेकेंड्स, तो इस तरह भी किसी एंगल की वैल्यू हो सकती है, जो अब आगे आप पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब वापस देख लेते हैं व्हाट इज पार्सेक। अब पार्सेक में क्या है बच्चों कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाली डिस्टेंस, जो हमने बात की थी कि अर्थ से, सपोज ये है 1 AU डिस्टेंस, ये अर्थ से सन तक की एवरेज डिस्टेंस है। अब इससे हम बना रहे हैं एंगल, जैसे एक इधर से और एक इधर से, इस तरह से ये ऐसे एंगल बना रहे हैं। ये जितनी डिस्टेंस पर जाकर 1 सेकेंड बनाएगा, 1 सेकेंड इज़ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 सेकेंड के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि ये AU ही बहुत बड़ी लेंथ है, और इसके मिलने से कहीं पर बने, कहीं पर 1 सेकेंड का छोटा सा, बहुत छोटा सा एंगल बने, तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उस डिस्टेंस को बोला जाता है पार्सेक। तो आपको अगर ये पार्सेक समझ में आ गया होगा, तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 × 10⁻⁙ मीटर, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है, कि 1 पार्सेक जो है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से 3 लेस कर सकते हैं। इसको लाइट ईयर में अगर कन्वर्ट करें तो 3.26 लाइट ईयर, तो पार्सेक और लाइट ईयर का ये रिलेशन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, अब नेक्स्ट में हम कुछ स्मॉल डिस्टेंस मेज़र करेंगे। यहाँ तो हमने लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र की थी, अब हम कुछ स्मॉल डिस्टेंस, जैसे कि किसी मॉलिक्यूल का साइज़, उसकी बात करेंगे।